आज हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। अब डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट फाइल करना सबसे सरल, आसान और सुविधाजनक तरीका होता है विवाह विच्छेद करने का या तलाक का। अब इसमें क्या किया जाता है कि एक जॉइंट पिटीशन फाइल होती है हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की तरफ से। जॉइंट पिटीशन में एक तरीके का ये कॉम्प्रोमाइज होता है, दोनों पार्टीज हर चीज तय कर लेती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो तय करती हैं कि अगर बच्चा है तो वो बच्चा किसके पास रहेगा। वो इस बात का जिक्र अपने कॉम्प्रोमाइज डीड में लिखती हैं, दैट इज पिटीशन, जॉइंट पिटीशन। एक बच्चा है तो वो किसके पास रहेगा, दो बच्चे हैं तो वो किसके पास रहेंगे, किस किसके पास रहेंगे और विजिटेशन राइट्स का क्या होगा। एक्सप्लिसिटली उसमें लिखा जाता है जॉइंट पिटीशन में। दूसरी चीज जो लिखी जाती है उसमें, वो लिखी जाती है एलिमोनी के बारे में। वाइफ को परमानेंट एलिमोनी कितनी दी जाएगी, लमसम में डिसाइड होता है वो, और पर मंथ कितनी दी जाएगी। अगर पर मंथ का तय हो रहा है तो पर मंथ के बारे में लिखा जाएगा। बच्चों के एलिमोनी कितनी होगी, बच्चों का मेंटेनेंस कितना होगा अगर वाइफ के पास रह रहे हैं तो, उसके बारे में भी जिक्र होता है। नंबर तीन, उसमें जितना भी दहेज में या शादी में खर्चा हुआ है या लड़की अपने साथ जो भी जेवर आदि लेके आई है उसका क्या होगा, कैसे वो वापस होंगे, इसका जिक्र पूरी तरह से जॉइंट पिटीशन में दिया जाता है। यहाँ ये बात खास तौर पे ध्यान देने योग्य है कि बच्चों का मेंटेनेंस या एलिमोनी डिसाइड तो हो रही है, लेकिन वो बेटे तो फादर के रहेंगे हमेशा, बेटा या बेटी, और उनका इस वजह से फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा कभी खत्म नहीं होगा। वो हमेशा अपना हिस्सा क्लेम कर सकते हैं जब भी, जैसी भी जरूरत हो, जो भी कानून परमिट करे। अब जॉइंट पिटीशन क्यों ज्यादातर फाइल होती है, क्यों इनको फाइल करने से फायदा है, वो मैं ये बताता हूं आपको कि देखिए, जॉइंट पिटीशन में आपकी सामाजिक मर्यादा बनी रहती है। कोर्ट में जाके झगड़ा फसाद नहीं होता, चार लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आप लोगों ने अपने डिस्प्यूट पहले से अपने बैठ के डिसाइड कर लिए और उसके बाद कोर्ट में ज्वाइंट पिटीशन फाइल कर दी। समय कम लगता है, आम तौर पे समय म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स में कम लगता है। डाइवोर्स के केस में आज हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। अब डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट फाइल करना सबसे सरल, आसान और सुविधाजनक तरीका होता है विवाह विच्छेद करने का या तलाक का। अब इसमें क्या किया जाता है कि एक जॉइंट पिटीशन फाइल होती है हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की तरफ से। जॉइंट पिटीशन में एक तरीके का ये कॉम्प्रोमाइज होता है, दोनों पार्टीज हर चीज तय कर लेती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो तय करती हैं कि अगर बच्चा है तो वो बच्चा किसके पास रहेगा। वो इस बात का जिक्र अपने कॉम्प्रोमाइज डीड में लिखती हैं, दैट इज पिटीशन, जॉइंट पिटीशन। एक बच्चा है तो वो किसके पास रहेगा, दो बच्चे हैं तो वो किसके पास रहेंगे, किस किसके पास रहेंगे और विजिटेशन राइट्स का क्या होगा। एक्सप्लिसिटली उसमें लिखा जाता है जॉइंट पिटीशन में। दूसरी चीज जो लिखी जाती है उसमें, वो लिखी जाती है एलिमोनी के बारे में। वाइफ को परमानेंट एलिमोनी कितनी दी जाएगी, लमसम में डिसाइड होता है वो, और पर मंथ कितनी दी जाएगी। अगर पर मंथ का तय हो रहा है तो पर मंथ के बारे में लिखा जाएगा। बच्चों के एलिमोनी कितनी होगी, बच्चों का मेंटेनेंस कितना होगा अगर वाइफ के पास रह रहे हैं तो, उसके बारे में भी जिक्र होता है। नंबर तीन, उसमें जितना भी दहेज में या शादी में खर्चा हुआ है या लड़की अपने साथ जो भी जेवर आदि लेके आई है उसका क्या होगा, कैसे वो वापस होंगे, इसका जिक्र पूरी तरह से जॉइंट पिटीशन में दिया जाता है। यहाँ ये बात खास तौर पे ध्यान देने योग्य है
कि बच्चों का मेंटेनेंस या एलिमोनी डिसाइड तो हो रही है, लेकिन वो बेटे तो फादर के रहेंगे हमेशा, बेटा या बेटी, और उनका इस वजह से फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा कभी खत्म नहीं होगा, वो हमेशा अपना हिस्सा क्लेम कर सकते हैं जब भी जैसी भी जरूरत हो, जो भी कानून परमिट करे। अब ज्वाइंट पिटीशन क्यों ज्यादातर फाइल होती है, क्यों इनको फाइल करने से फायदा है, वो मैं ये बताता हूं आपको कि देखिए, ज्वाइंट पिटीशन में आपकी सामाजिक मर्यादा बनी रहती है, कोर्ट में जाके झगड़ा फसाद नहीं होता, चार लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आप लोगों ने अपने डिस्प्यूट पहले से अपने बैठ के डिसाइड कर लिए और उसके बाद कोर्ट में ज्वाइंट पिटीशन फाइल कर दी, समय कम लगता है, आम तौर पे समय म्यूचुअल कंसर्न डाइवोर्स में कम लगता है। डाइवोर्स के केस में म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स फाइल जब करते हैं आप, तो सबसे पहली कंडीशन तो यह है कि आपकी शादी को कम से कम एक वर्ष का समय बीत चुका हो, मिनिमम एक साल। एक साल से पहले कोई भी डाइवोर्स पिटीशन नहीं फाइल की जा सकती, चाहे वो म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स हो और चाहे वो जनरल एलिगेशन लगा के तलाक मांगने की दरखास्त हो। तो एक साल का समय कम से कम बीतना चाहिए, उसके बाद एक साल का डिजर्शन हो, उसमें आप ये कह के आएंगे कि आप एक साल से ज्यादा समय से अलग अलग रह रहे हैं, आपका विवाह अब आगे चलने योग्य नहीं है और इसलिए हम लोगों ने बैठ के डिसाइड किया कि हम ये विवाह विच्छेद कर लें। कोर्ट उस एप्लीकेशन पे आपके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द केस और उसमें 6 महीने की डेट देगा। 6 महीने बाद जब आप फिर से आएंगे, इस दौरान कोर्ट कोशिश करेगा आपकी काउंसलिंग करने की, काउंसलर्स होते हैं फैमिली कोर्ट में, काउंसलिंग करने की कोशिश करेगा कि ये मैरिज को रोका जा सके, विच्छेद ना करना पड़े। अगर कोर्ट उसमें सफल नहीं हो पाता है तो विवाह विच्छेद के लिए 6 महीने की डेट लगाएगा और 6 महीने बाद आपको फिर से कॉल किया जाएगा। जब आप उस समय आएंगे तो आपके फिर से स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे कि आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं विवाह विच्छेद के लिए, तलाक के लिए, या आपका माइंड चेंज हो गया है। अगर आप अभी भी इच्छुक हैं तो कोर्ट आप लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करके म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स की डिग्री अलाउ कर देगा। तो इसलिए इसमें ना तो झगड़ा फसाद होता है, ना सामाजिक प्रतिष्ठा पे असर पड़ता है, अपने झगड़े आपने खुद निपटा लिए बैठ के, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लीजिए, अपने लॉयर के पास बैठ लीजिए जिस पे आपको विश्वास हो, बड़े बूढ़ों के साथ बैठ लीजिए और सब चीजें डिसाइड करके फिर म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स आप फाइल कर सकते हैं।